गांव विधानसभा है और यहां पे हम हमारी मुलाकात हो रही है। इस बार पहली बार वोट डालने जा रहे हैं यहां के युवा जो नए वोटर हैं, हम जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, देश के प्रति किसको वोट करना चाहेंगे, भूलो मंडल को वोट देना चाहेंगे या अजय मंडल को वोट देना चाहेंगे, देश में किसकी सरकार लाना चाहते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, पहले भी दे चुके हैं। पहले भी दे चुके हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे? इस बार नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे। पहली बार वोट डाल रहे हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? सर इस बार तो नरेंद्र मोदी ने वोट देंगे। सर मन में कैसा लग रहा है पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? पहली बार थोड़ा सा मजा आ रहा है। नहीं लगता है कि इस देश के नागरिक हैं? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नरेंद्र मोदी फिर से आएगा। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, बहुत ज्यादा आगे। अच्छा भ्रष्टाचारी हैं? मोदी ही जीतेगा। मोदी, आप बताइए, आप पीछे हैं? मोदी ही जीतेगा। क्यों, मोदी को क्यों चाहते हैं? मोदी किस लिए चाहते हैं कि जनता जो है काम होता अच्छा किया है, अच्छा देश के लिए भला अच्छा काम किया, देश के लिए अच्छा काम करते हैं। और ये राहुल गांधी नेता बनने के लायक नहीं है। नेता बनने के लायक नहीं है? जो विकास नहीं दे रहा क्या करेगा वो? अच्छा वो विकास नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत बोल रहे हैं कि 72,000 रुपए हम देंगे। लोग सब झूठ है, सब झूठ है। क्या लगता है मोदी को वोट देना है? अभी साल वोट है, मोदी को ही जिताएंगे। मोदी को आप सब लोग विचार कर लिए क्या? कि मोदी को ही देना है? मोदी को देना है, राहुल को नहीं? क्यों क्यों राहुल को क्यों नहीं दीजिएगा? उस पर विचार भी नहीं करना है? अच्छा मोदी को क्यों देना है, क्यों दीजिएगा? राहुल को क्यों नहीं दीजिएगा? मोदी से लाभ हो रहा है। मोदी से लाभ हो रहा है। आपको घर में कुछ मिला? क्या सब मिला? गैस सिलेंडर मिला? घर में पानी आ गया? अच्छा आप बताइए, मोदी को दीजिएगा? किस लिए दीजिएगा मोदी को? मोदी से लाभ होता है, उससे फायदा होता है। वो तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, हमको सब लिए सब कुछ हो रहा है। आपके लिए सब कुछ हो रहा है? 2019 में हम विकास चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जो है बहुत अच्छा काम किया है और बिहार में तो विकास नीतीश कुमार के आने के बाद दिखाई पड़ा है। जब दिखाई वो दिया है तो विकास भी वही करेगा, आगे बिहार बढ़ता जाएगा और नीतीश कुमार विकास करते हैं। 2019 जो सब चाहता वही होना चाहते हैं, मतलब सब तो क्या चाहते हैं, आप अपना व्यक्तिगत विचार। मोदी जी ही चाहिए? मोदी क्यों? राहुल, मायावती, ये ममता बनर्जी, बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे। शासन तो अच्छा चला रहे, गरीब के लिए कुछ किए नहीं जी, उसके बावजूद भी आप मोदी चाहते? हम क्या चाहेंगे, सब लोग मोदी चाह रहे हैं। हम तो चाहेंगे फिर से कांग्रेस का शासन आए, जो 2 रुपया गेहूँ में 2 रुपया चावल मिल रहा है, गरीब लोग को खा रहा है। ये कांग्रेस दिया, बीजेपी का आज तक कुछ दिया नहीं गरीब के लिए। अच्छा मोदी सब कह रहा, मोदी मोदी देखिए क्या होता है। आपने देखा थाना बीपुर विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिक किस तरीके से मोदी के बारे में बता रहे हैं कि हम मोदी को ही वोट देंगे और मोदी और नीतीश कुमार के विकास से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसलिए अजय मंडल को यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारी बहुमत मिलने जा रहा है। आप सभी दर्शकों को मैं ये बता दूं कि अजय मंडल जनता दल यू के भागलपुर से शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे और काफी लोकप्रिय उम्मीदवार थे, उसके बावजूद जनता दल यू का ये सीट बना और जनता दल यू ने अजय मंडल को अपना प्रतिनिधि बनाया। मैं अभी थाना बीपुर विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ हूँ और यहाँ पे थाना बीपुर स्टेशन का परिसर है। बस ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो ऑटो चालक है, बड़े लोगों की बड़ी बात हो जाती है, जो छोटे छोटे आमदनी करने वाले लोग, वो कितना सहमत है, किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह का व्यवस्था चाहते हैं, उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इन्हीं मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे
यहाँ पे ऑटो चालक संघ के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार मतलब राहुल या मोदी? मोदी। किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी की सरकार क्यों चाहते हैं? बढ़िया काम करता है। मैं पंकज भट्ट, थाना बीपुर, भागलपुर।